धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान के कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। बड़े बुजुर्गों को मास्क का वितरण एवं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम प्रधान ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव में विकास की बाढ़ सिला दी है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ग्रामीण अंचलों की निगरानी गांव के मुखिया और प्रधानों को दी गई है। वहीं कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गाँव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गाँव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज टीम को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है एवं समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। शासन द्वारा बताए गए सभी गाइडलाइन का पूरा ख्याल करते हुए बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जाता है एवं मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी के लिए टीम गठित करके इनकी निगरानी की जा रही है एवं इनके रहन सहन की भी उचित व्यवस्था की जाती है। प्रधान ने बताया कि गांव के जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को इनकी जरूरतों के अनुसार मदद भी की जाती है। ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से संपूर्ण गांव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है एवं खुशहाली की लहर दौड़ रही है। महामारी का प्रकोप आ गया, ऐसे में आप सबने जिस तरीके जनता का वोट किया होगा तो उससे भी आपके वोट परसेंटेज में काफी फर्क पड़ेगा। तो महामारी से आपके होने वाले प्रधानी चुनाव में जब भी कभी होगा, 2-4 महीने आगे जब भी होगा, उसमें आपको लाभ होगा कि हानि होगी? भाई देखिए, वो समय बताएगा लाभ। अभी क्या आपको लगता? अभी लगे हमने काम किया, जैसे गांव का जो विकास करेगा उसमें महामारी से कोई मतलब नहीं। महामारी भी तो एक मौका होगा। नहीं नहीं, नहीं देखिए, जीतने का देखिए, अगर आपने काम किया होगा, दिलों को जीता होगा, देखिए तो आप ये महामारी ग्राम पंचायत चुनाव से कोई मतलब नहीं। बड़ा चुनाव है, छोटा है, गवई चुनाव, इस समय कितना त्योहार हम दवाई दरमल कराए थे, पार्टी बंदी पर लड़ाई झगड़ा होते, ये पार्टी बंदी चलाते, ये गांव गवई चुनाव बहुत बड़ा खतरनाक चुनाव होते। ये चुनाव जो लड़ ले विधानसभा लोकसभा फेल बा, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। इसमें काम के ऊपर होता है, प्रेम होता है, जनता अगर प्रेम है वोट हमको करेगा, नहीं करे कोई बात है, न करे न करे। कैसा रहा पे 5 साल कार्यकाल आपका? बहुत अच्छा रहा। जनता ने कितना सपोर्ट किया आपने? भाई हमारा, हमने पहले ही बता दिया, मैंने चुनाव लड़ा, मैं 2016 में तीसरी बार चुनाव जीता, हमको इतना वोट मिला, इतना वोट मिला, वो तो हमारा तबीयत मजदूर तो पूरा ब्लॉक जानता है। आगे क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या लगता है आपको? फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, हमने काम किया। काफी लग रहे हैं आप, एक बार अपना लास्ट में नाम पता हरिचंद पाल, ग्राम प्रधानमंत्री।